चूचू दोस्तों, चूचू को क्या हो गया? अचानक से तो बिल्कुल ठीक थे, ये अचानक से ऐसे सो क्यों रहा है? हेलो चूचू उठो दोस्तों। चूचू तो उठ ही नहीं रहा और ये ऐसे लेटा हुआ, इसको हमें बाहर निकाल के देखना होगा, क्योंकि ना दोस्तों ये कल तो बिल्कुल ठीक था, ऐसे अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो उठ भी नहीं पा रहा है और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सो गया है, और दोस्तों ये तो उठा भी नहीं जा रहा है ऐसे। और दोस्तों हमने इसको कल इस केज में जब शिफ्ट किया है तब तो ये बिल्कुल ठीक था, और अचानक दोस्तों हमारे इस चूचू को क्या हो गया कि जो इससे उठा भी नहीं जा रहा है और ये यूं ही लेटा पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों हमने कल ही अपने चूचू को इस केज में भेजा, जो हमारी ज़ेब्रा फिंच के ऊपर वाला जो केज है, इसमें हमने अपने चूचू को कल बिल्कुल ठीक शिफ्ट किया है और ये बिल्कुल ठीक था, और अचानक दोस्तों इसे पता नहीं क्या हो गया कि जो उठ भी नहीं पा रहा और ये बिल्कुल सो गया है। दोस्तों पता नहीं इसे क्या हुआ है कि जो उठा भी नहीं जा रहा है स्टेप, और ये दोस्तों अब मुझे तो ना दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जो हमारा चूचू है ना ये अब नहीं रहा और दोस्तों हमें छोड़ के चले गया है, वरना ना दोस्तों इतनी देर तक यूँ ऐसे लेटा नहीं रहता था, ये कुछ ना कुछ बोल भी रहा होता था और ये चलता भी था, लेकिन दोस्तों अब ये बिल्कुल ही लेटा हुआ है और इससे उठा भी नहीं जा रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है, और ये दोस्तों बिल्कुल ही आराम से लेटा हुआ है। और अब ना दोस्तों हमने अपने चूचू को ना अपने ज़ेब्रा फिंच से और ऑस्ट्रेलियन पैरट से सिर्फ अभी तक मिलवाया था, और हमने अपने चूचू को सारे पैट्स जो है ना हमारे जितने भी जो बर्ड्स हैं उन सबसे मिलवाना था, 1122 से भी, राजा से भी, रानी से भी, सबसे मिलवाना था, लेकिन दोस्तों हमारा चूचू सरवाइव नहीं कर सका और हमारा चूचू अब नहीं रहा दोस्तों ज़्यादा दिन। और दोस्तों जैसे ही हमने दोस्तों जब इसको इधर पिजन्स केज से जब हमने कल शिफ्ट किया था इस वाले नेस्टिंग बॉक्स से इस वाले केज में, तो ये दोस्तों बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक ही दोस्तों इसको क्या हुआ है कि जब आज हमने इसको आके देखा है तो ये सो चुका है हमेशा के लिए, और दोस्तों ये तो उठ भी नहीं रहा है बिल्कुल। और अब दोस्तों हम इसका ये देखें दोस्तों, इसके माशाल्लाह से इधर पर भी आना शुरू हो गए थे, इसके दोस्तों माशाल्लाह से बड़ा भी हो रहा था और काफ़ी एक्टिव भी था ये, लेकिन इसे पता नहीं अचानक क्या हुआ कि जो अब सर्वाइव नहीं कर सका। और ना दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जो हमारा चूचू है इसे हेच भी हमारे इन पिजन्स ने किया था, ये वाले जो पिजन्स हैं इस वाले नर्सिंग बॉक्स वाले इन लोगों ने हमारे चूचू को हैच किया था, और बिल्कुल ठीक तरीके से दोस्तों इन लोगों ने हैच किया था, तभी हमारा चूचू बहुत अच्छा था। और एक अंडा जो था वो हो गया था ख़राब और एक अंडा ठीक था, तो जिसमें से ये हमारा चूचू था, और दोस्तों माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसे अचानक क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा, वरना बिल्कुल ठीक था, एक्टिव भी था और बहुत अच्छी दोस्तों ग्रोथ भी हो रही थी इसकी, क्योंकि दोस्तों ये देखें इसके पर भी निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन इसे पता नहीं अचानक ही क्या हुआ है कि जो अभी ज़्यादा दिन सर्वाइव ही नहीं कर सका और ये एक्सपायर हो गया। दोस्तों मुझे तो ना ऐसा लग रहा है कि जो हमारा चूचू है ना ये जो है ना दोस्तों काफ़ी छोटा था ना, और ना दोस्तों बारिशें भी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो जिस वजह से ना दोस्तों हमारे पिजन्स भी जो थे ना वो भी काफ़ी उनको वायरस हो जाता था, और ये जो हमारा चूचू था ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो हो सकता है इसको बिना कोई जो है बीमार हुआ हो, लेकिन दोस्तों ये बीमार बिल्कुल भी नहीं था, आप लोगों ने भी देखा था, वरना हमें पता चलता था कि ये सुस्त हो रहा होता थोड़ा और पानी और अपनी डाइट भी नहीं खा रहा होता, लेकिन दोस्तों अपनी डाइट भी खा रहा था, पानी भी पी रहा था, लेकिन फिर भी ना दोस्तों अचानक ही बस ये एक्सपायर हुआ है, हो सकता है कोई ऐसा वायरस हो जो पता नहीं चला है हमें, वरना दोस्तों हम तो जो है ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी हमारा बर्ड जो बीमार होता है फुल उसकी ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो ठीक हो सके, और दोस्तों इसने तो दोस्तों इसका तो हमें पता ही नहीं चला, हमने कल जब इसको शिफ्ट किया है तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब आज आके जब हमने इसको देखा है तो एक्सपायर हो चुका है, वरना दोस्तों अगर हम कल ही अगर ये हमें पता चल जाता कि इसको कोई वायरस है या ये बीमार है तो हम इसका ट्रीटमेंट कल से ही शुरू कर देते, लेकिन ना दोस्तों ये हो सकता है इसकी जो है ज़िंदगी इतनी थी और इसीलिए इतना सर्वाइव नहीं कर सका, और क्योंकि दोस्तों अगर वायरस होता है ना किसी भी बर्ड को तो सुस्त होने लगता है, डाइट भी नहीं खाता है, पानी भी ठीक से नहीं पीता है, लेकिन इसको ना तो कोई वायरस था क्योंकि ये अपनी डाइट भी ठीक तरीके से खाता था, पानी भी बिल्कुल ठीक तरीके से पीता था, तो इसीलिए ना दोस्तों इसको कोई वायरस तो हो सकता है नहीं हुआ, बस ये खुद ही जो है ना दोस्तों एक्सपायर हो गया है, ये जो अब इधर है दोस्तों और ये देखें, और वैसे तो ना दोस्तों जो हमारी बेबी ज़ेब्रा फिंच है ना ये माशाल्लाह से दोस्तों ये चलें ठीक है, ये भी काफ़ी छोटी हैं, हम इनको भी देख लेते हैं, तो ये तो दोस्तों माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं, और दोस्तों अब तो ना इनके कलर भी बिल्कुल मैच हो चुके हैं, बिल्कुल सेम होते जा रहे हैं, कि ये जो है ना वाइट वाली जो तीनों ही ज़ेब्रा फिंच है ना
ये जो बेबी ज़ेब्रा फिंच है दो, और एक जो बड़ी वाली जो ज़ेब्रा फिंच है, इन तीनों की कलर बिल्कुल सेम होते जा रहे हैं। और दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिन में ना हमें इनके पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वाली जो है बड़ी वाली ज़ेब्रा फिंच है और कौन सी बेबी ज़ेब्रा फिंच है, क्योंकि इन सबके जो कलर है ना बिल्कुल सेम है इन तीनों बेबी ज़ेब्रा फिंच के। वैसे ना दोस्तों जो हमारा चूचू है ना, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये अभी भी सो रहा हो और ये एक्सपायर नहीं हुआ है और ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि अगर ये सो भी रहा होता तो इतनी देर नहीं सोता और ये फौरन ही उठ जाता है जैसे हम इसके करीब आते थे। लेकिन दोस्तों इसको देखने से यूँ लग रहा है कि जैसे सो रहा हो, लेकिन दोस्तों अब ये नहीं रहा। हाँ भी स्टूडेंट पीरियड क्या आपको पता है, आपका जो एक नया दोस्त आया था आप सब लोगों का चूचू, अब वो नहीं रहा और वो एक्सपायर हो गया है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरेट है ना, ये भी काफ़ी दुख में है, क्योंकि वरना ये भी ना इतना अच्छा शोर कर रहे होते थे, बोल रहे होते थे इधर, और ना दोस्तों इतनी तेज़ आवाज़ आ रही होती थी, लेकिन अब ना दोस्तों बिल्कुल खामोशी हो चुकी है और ये भी बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं। बस ये जो हमारी ज़ेब्रा फिंच है ना, यही कुछ थोड़ा बहुत बोल रही हैं। चूचू अब नहीं रहा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।